दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई द शौकीन्स में अमंग अदर एक्टर्स एक है जिनके काम की बड़ी तारीफ हुई है और वो है सुब्रत दत्ता. ही प्लेज द नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर रंजीत बासु जो कि अक्षय कुमार को बहुत ही अलग रोल में कास्ट करना चाहते हैं. और आज हमारे स्टूडियो में यही सुब्रत दत्ता, द वेरी टैलेंटेड सुब्रत दत्ता है. फ्रेंड्स लेट्स वेलकम हिम. वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत ही बेहतरीन काम किया है आपने. मतलब हंसाते हैं, बहुत हंसाते हैं आप. आपका जो फ्रस्ट्रेशन है अक्षय कुमार को गुस्सा दिखाइए, ये दिखाइए. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये बंगाली किरदार आपकी सोच थी या आपके डायरेक्टर की सोच थी या नहीं? एक्चुअली ये तो स्क्रिप्ट में ही था. अच्छा. और एक्चुअली पहले मुझे बोला कि जो कास्टिंग कर रहे थे तो बोले कि आप फिट नहीं हो, आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो? तो मैं उस समय शूट कर रहा था तेवर, बोला एजेड कैरेक्टर है. तो मैं कुछ लोगों का नाम दिया, फिर मैंने ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो. तो राजेश और इंदु दोनों कास्ट कर रहे थे. तो फिर मैंने बोला स्क्रिप्ट भेज दे मुझे. उन्होंने स्क्रिप्ट भेज दिया. मैंने पढ़ा, मैंने बोला मेरा ऑडिशन? दादा मजाक करते हो, क्यों टाइम खराब करोगे? मैंने बोला नहीं नहीं मेरे दिमाग में कुछ है, मैं आ रहा हूँ. और मैं गया और कुछ मेकअप हल्का सा करके और कुर्ता किसी से उधार लेके बैग लेके गया. और दे लाइक्ड इट सो मच, बोला और दो बार दे दो. एंड दे शोड इट टू एके. और अक्षय जी बोला कि करेगा तो यही करेगा और कोई नहीं करेगा, बोला उसको. बात है, क्या बात है. एंड ही प्रेज मी अ लॉट बिफोर शूटिंग. अरे बहुत अच्छा एक्टर, तो बहुत अच्छा. एंड पब्लिक को भी बहुत मजा आ रहा है उन सीन्स में, बहुत हंसी आती है. आपका जो फ्रस्ट्रेशन है कि अक्षय कुमार से आप एक्टिंग करवाए और अलग किस्म की एक्टिंग करवाए, वो बहुत ही बढ़िया लगता है. एंड आप इस इंडस्ट्री में काफी सालों से हैं, ऑफ कोर्स लोगों ने नोटिस किया है, बट वो वाली बात नहीं बनी है. इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पीआर एक्सरसाइज या आपको रोल्स इस प्रकार के नहीं मिले, क्या लगता है? बिकॉज आप एक्टर तो बहुत ही बढ़िया है. हाँ, आई थिंक व्हाट यू सेड कि लैक ऑफ पीआर एक्सरसाइज दैट इज देयर, मेरे दोस्त लोग वही कहते हैं. एंड नाउ द थिंग इज कि ईच एंड एवरी रोल माय बॉडी लैंग्वेज और माय लुक्स आर सो डिफरेंट, सो पीपल कांट रिकॉग्नाइज कि इस रोल में अगर रक्त चरित्र में वो किया था वही उसने जमीन किया था और वही उसने माधोलाल की बुआ किंग में एक बुढ़े का रोल किया और वही रोल किया. समटाइम्स एंड ही कैन बी फनी इन लाइक शॉकिंग. जैसे श्याम बाबू एक बार बोला था मुझे, श्याम सर, श्याम बेनेगल जी, सुब्रत तुम अपना फोटोग्राफ दिखाओ. सब में मैं ही हूँ. So that means ये आप ही के लिए हानिकारक हो गया कि आपने इतनी अलग अलग भूमिकाएं निभाई है कि लोगों को शायद कोरिलेट करना मुश्किल हो जाता है कि ये सेम एक्टर है who has done such a wide variety of roles. तलाश में आप थे? तलाश में था. भूतनाथ रिटर्न्स में, भूतनाथ रिटर्न्स में थे, रोर में, रक्त चरित्र में, जमीन, टैंगो चार्ली, इवन बंगाल इंडस्ट्री में मैं एज ए हीरो करता हूँ, बाकायदा डांस करके गाना के जैसे पेड़ के साइड में करते हैं बैंकॉक में, इसी पीला शर्ट पहन के, यू नो, ला 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 काइंड ऑफ. सो आई एम फ्लेक्सिबल बिकॉज आई टुक ट्रेनिंग फॉर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड सम ट्रेनिंग इन लंडन सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा. सो आई थिंक That helps me a lot. मैं सारा श्रेय मेरे इंस्टीट्यूट को दूंगा और दोनों इंस्टीट्यूट को. तो आपको ये एक्टिंग का शौक कब से चढ़ा? मैं कतई इंटरेस्टेड नहीं था. अच्छा? एकदम नहीं. आई वाज डूइंग माय जूलॉजी ऑनर्स सेकंड ईयर. और बंगाली होने के नाते मैं कुछ कभी कभी यात्रा कर लेता था, कभी किसी प्लेस में, चलो 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 इसको ले लो, ये याद कर लेता है. कोलकाता में रहते थे? नहीं, मैं बांकुड़ा का हूँ, जो नियर पुरुलिया. तो एक छोटे से कस्बे में रहता था, तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये तो बहुत दूर की बात है. तो मैं नाटक करता था. तो एक दिन मैं अंडा खा रहा था, बॉयल्ड अंडा, और काफी आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज बिकॉज उस टाइम में मैं टेंथ से अपना एजुकेशन खुद कर रहा हूँ, प्राइवेट ट्यूशन और कुछ कुछ करता था. सो मैं अकाउंटेंसी का काम देखता था एक मेरे अंकल के मैटरनिटी नर्सिंग होम में, जहाँ पे बच्चे पैदा होते थे, उसलिए मिठाई खाता था. और शमशान में भी कर रहा था काम कि इस मैं बड़ा बहुत एक्सपर्ट था कि एक लाश जलाने के लिए, सॉरी मैं इसे मुझे चैनल में बोल रहा हूँ, really? हाँ, कितना लकड़ी चाहिए, और उसके लिए भी मुझे मिठाई मिलता था. सो आई वॉज हैविंग स्वीट्स फॉर बर्थ ऑल्सो, आई वॉज हैविंग स्वीट्स फॉर डेथ ऑल्सो. एंड मेरे दिमाग में उस समय इतने सारे सवाल आ रहे थे जिसके जवाब सो कॉल्ड सोसाइटी या मेरे टीचर्स ही मेरे जानने वाले दे नहीं पा रहे थे. सो दोज थिंग्स की डूज एंड डोंट्स के बीच में मैं कहीं ना कहीं फंस रहा था. तो उस दिन जब अंडा खा रहा था तो मुझे वो बोला कि भाई तू तो नाटक वाटक करता है, एक बार देख ले, इसमें 40 दिन का नेशनल स्कूल ड्रामा का वर्कशॉप हो रहा है जिसमें खाना पीना फ्री. तो मैंने बोला दिखो, मैं फेंका हुआ कागज को फिर से उठाया. तो मैं किसी को, एक दोस्त को बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं है, चलो हम दोनों 40 दिन रह के आएंगे, मन नहीं करे तो आ जाएंगे. तो गया वर्कशॉप इंटरव्यू देने के लिए, उनका नहीं हुआ मेरा हो गया. ये कहां पर? ये बहरमपुर में वर्कशॉप. बहरमपुर में? अच्छा. हाँ, इट वाज इन 1991-2 में. तो यू सी हो गया. सो मैं बड़ा कंफ्यूज डेथ एंड बर्थ के बीच. और जब मैं वर्कशॉप में काम किया तो मुझे लगा बहुत सारे सवाल जो मेरे दिमाग में, जहन में चल रहा था, उसका जवाब शायद
इसमें मिलेगा, इस क्रिएटिव फील्ड में मिलेगा. इसके पहले मुझे लगता था कि हीरो का बेटा हीरो बन सकता है, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आई कि यू कैन लर्न द टेक्निक ऑफ एक्टिंग. और सबसे बड़ी बात है कि यू आर गेटिंग फेड फॉर टेलिंग लाई, और अपने तरीके से झूठ बोलने के लिए. ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला झूठ बोलो, ये जो फ्रीडम है, आई थिंक दैट समहाउ क्रिएट्स इंटरेस्ट विद इन मी. मतलब आपने कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था, कि मैं एक्टिंग करूंगा. बिकॉज आई डिडंट नो हिंदी एट ऑल. I learned Hindi with the help of my batchmates and my teachers. जैसे नवाज मेरा बैचमेट है, स्वानंद किरकिरी मेरा बैचमेट है, मार मार के मुझे हिंदी सिखाया रात रात भर. और पहला दो साल तो that was like, you know, in Delhi, that was cultural confusion because I never live in Calcutta. So from Bankura to direct Delhi, but कहीं ना कहीं मैं determined था कि इसमें उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा और मुझे मजा आ रहा था. अरे ये भी आता था, it's like opening a door for me, for my life. छोटे कस्बे वाले ने acting करने की सोची कि मैं फिल्मों में जाऊंगा, तो family का रुख क्या था, family का reaction क्या था? मेरे माँ बाप, पिताजी और माता जी बोले तुम कहाँ जा रहे हो, शक्ल देखी अपने आईने में, ये तो बेटा गया. लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेशर दे नहीं पाया क्योंकि मैं अपना खर्चा खुद चला रहा था. तो उनको लगा कि अगर एनएसजी में स्कॉलरशिप देता है, उनको लगा कि अपना खर्चा अगर दे रहा है, इधर दिक्कतें हो रही है, तो अच्छा है जाने दो. सो दैट काइंड ऑफ, उसमें कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं था कि नहीं जाओ यहाँ पे कुछ करो, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था करने के लिए. जो भी कर रहा था खुद कर रहा था. तो आज मैं जो फ्रीडम जो मुझे इस प्रोफेशन में मिल दिया, आई थिंक दैट मींस अ लॉट टू मी. और आपकी फैमिली को कैसे लगता है अभी? अभी दे आर एंजॉयिंग अ लॉट. अभी दे आर एंजॉयिंग. मेरा एक छोटा भाई भी ऑलरेडी आना शुरू कर दिया. बट मेरे मम्मी पापा अभी बोलते हैं, यू सी बंगाली में कर लो, कहाँ तुम स्क्रीन पे बहुत गुस्सा करते हो, स्क्रीन पे कभी कैसे कर दो, ये अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मेरी मम्मी बोलती है. और मुझे हमें समझ में नहीं आती तुम हिंदी में क्या बोलते हो, बंगाली में कर लो. तो मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे कभी कभी बंगाली फिल्म करना पड़ता है. और मैं हालांकि 14 बंगाली फिल्म अभी भी कर लिया. आई गॉट बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर माई बंगाली फिल्म बीबोर इंटरनेशनल ओशियन सिनेवेन में 2006, एंड अनदर फिल्म माधोलाल कीप वॉकिंग 2009 कायरो में बेस्ट एक्टर अवार्ड. सर, इतने छोटे कस्बे का लड़का अब बेस्ट एक्टर अवार्ड्स जीत रहा है, आप सबसे ज्यादा श्रेय किसको देना चाहते हैं? आई थिंक माय बैकग्राउंड, दे इंस्पायर मी टिल नाउ. दे इंस्पायर मी. जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं अपने सिचुएशन में जाता हूं, अपने गांव में जाता हूं, जहां पे अभी भी लोग बहुत मतलब उनका लाइफस्टाइल बहुत ही लो है. मतलब मेरी मम्मी पापा बोलते तू माता, मैंने बोला क्यों, क्योंकि मैं जब जाता हूं इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है, पुलिस आती है, लाठी, मतलब बंगाली फिल्म के लिए. उसके लिए हिंदी फिल्म का कोई मायने, इवन आई थिंक बंगाली सीरियल्स के लिए, नॉट इवन फिल्म्स. क्योंकि सो बहुत मजा आता है उनको, उसको बहुत मजा आता है. आई थिंक बहुत लोग इंस्पायर रहते हैं वहां के. आज के डेट पे ऑडियो विजुअल माध्यम इतना स्ट्रांग हो गया, ये अगर किसी के जिंदगी में किसी को इंस्पायर करता है जो मैं काम करता हूँ, तो दैट मीन्स अ लॉट टू मी. करेक्ट. तो अब वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाला अब अपने आप को क्या ठहराता है? इन्फ्लुएंशियल बन गई है, बट नो नॉट सो रिच. बट अच्छे एक्टर्स को कम पैसे मिलते हैं, ऐसे मैं मान ही नहीं सकता हूँ. नहीं, कम पैसे तो नहीं देते हैं. मुझे लगता है कि हाँ, अब मांगना चाहिए मुझे. मैं पहले तो बोल देता हूँ, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर या असिस्टेंट बोलते हैं, या डायरेक्टर इवन बोलते हैं कि सुब्रत इतना बजट है. फिर जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से फोन आता है, जब मुझे कोई कॉफी वॉफी पिला के प्यार से बोल देते हैं, मैं मान जाता हूँ. तो आपने मैनेजर नहीं रखा है अब तक? Till now I'm handling myself. That is probably the problem. Maybe, क्योंकि स्टोरी सुनते सुनते ना दो तीन मैं इनपुट्स दे देता हूँ, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये तो करेगा, अब तो करेगा. तो मुझे लगता है ये शायद, पर ठीक है, as far as I'm enjoying. तो अब आपको लगता है कि आप जन्मे ही थे एक्टिंग करने के लिए? नहीं, ऐसा तो मुझे तो मतलब मैं 23 साल में गया, 21-22 तक तो मुझे पता ही नहीं था. इवन मैं एनएसजी में गया तब, मुझे लगा था थिएटर करेंगे, थिएटर ऐसी सी जगह पे थिएटर करके इन लोगों के साथ करेंगे, जो मैंने थोड़े बहुत 4 साल किया भी. लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं बॉम्बे आ जाऊंगा, और बॉम्बे में मैं इंडिपेंडेंट फिल्म तो मैं काफ़ी करता हूँ, और पहले से फिर बॉलीवुड कॉमर्शियल फिल्म भी करूँगा. दैट वे आई थिंक कि आई एम लिटिल बिट लकी. सुब्रत जी, मुझे ये बताइए, आप इतनी छोटी जगह से जब दिल्ली गए, एक भय, एक डर रहा होगा कि इतने बड़े शहर में मैं खो तो नहीं जाऊंगा, इतने बड़े शहर में मैं कुछ गलत कर बैठा तो, ये सब ख्याल आपके मन में आए थे? ये ख्यालात मन में आए थे, ये चांसेस भी बहुत था. मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने बैकग्राउंड के रूट्स के साथ जुड़े अपने आप को रखने के लिए कोशिश कर रहा था. यू हैव टू गो अहेड. तो मैं अपने आप को उससे दूर रखने के लिए कोशिश किया, और हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन रखने की कोशिश की. टिल नाउ, मतलब मैं जब 14-15 साल का था, तब से मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ. सुबह उठ के मुझे करना ही है, चाहे मैं 12 बजे उठूँ, 6 बजे, वो मैं अभी भी करता हूँ. योगा प्राणायाम करता हूँ. आई थिंक दैट keep me that helps me a lot to balance myself or my spirit or my inner energy. अगर आप एक्टर नहीं बनते आप, तो फिर क्या करते हैं?
आई थिंक मैं एमबीए कंटिन्यू करता, मैं एक साल का तो बाय पोस्ट कोर्स भी कर लिया था, तो मैं एमबीए का कुछ कोर्स कर लेता. इनफैक्ट हिंदुस्तान लीवर से मुझे एक ऑफर भी आता कि आप हमारी अप्रेंटिस ज्वाइन कर लो. सब कुछ छोड़ के मैं एनएसडी चला गया बिना बोल के. जब आप मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे बतौर एक्टर, एक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे, कभी उन दिनों ऐसा ख्याल आया कि ये शायद लाइन मेरे लिए नहीं है, मैंने बहुत ऊंची छलांग मारने की कोशिश की है? नहीं, एक्चुअली जब मैं रेपर्टरी में था मुझे बहुत सारे मतलब आई थिंक नंबर ऑफ प्लेस में मैंने मेन रोल किया, कॉन्फिडेंस तो था. और आने के बाद ही मुझे कगार करके एक सीरियल आता था, उसमें मुझे मेन रोल मिल गया अचिंत कौर के अपोजिट में आते ही. तो आते ही जो मैंने काम किया, अगर मैंने साल में एक काम करता था दैट वाज इंपॉर्टेंट, तो सीरियल में एपिसोडिक में उसमें मेन रोल होता था. मैं कारवा पिक्चर करके आता नसीर साहब के साथ, किटू की दीवानी के साथ, उसमें मेन रोल था मेरा. मैं बुद्धदेव दासगुप्ते की फिल्म करके था उसमें भी अच्छा रोल था. मैंने काम कम किया लेकिन जो भी किया वो काम जब किया लोगों ने बोला अच्छा काम है. कभी डिप्रेशन और ऐसा कभी हुआ ही नहीं. लोग मुझे जब भी बुलाए हैं या काम दिया है कभी ऐसा नहीं कि आया राम गया राम किस्म का रोल. आई थिंक दैट वे आई एम लिटिल बिट लकी, आई एम टेलिंग यू. मुंबई जब आते हैं कोई बाहर से स्पेशली छोटे गाँव से, हमेशा ये टेंशन रहता कि रहेगा कहाँ, खाएगा क्या, छत आराम से नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता है. वो दिन जब आपके शुरुआत के दिन थे, कहाँ रहते थे आप, क्या खाते थे, किसके साथ, किसकी मदद ली या मदद लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी? मदद उतनी लेने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन मुझे हाँ ईस्ट वेस्ट समझने के लिए मेरे को जरूरत पड़ी. अच्छा, ईस्ट और वेस्ट, वो मैं काफी कंफ्यूज था लोकल ट्रेन में कहाँ पे कैसे उतरना है. तो मेरे जूनियर्स या सीनियर्स ने मतलब मुझे लोग ना काफी प्यार करते, मतलब मैं जब ट्रेन से उतरा मुंबई शहर में 10 से 15 आदमी था मुझे रिसीव करने के लिए, जूनियर्स और सीनियर्स. तो तो उनसे कैसे मुलाकात हुई थी? दिल्ली से, एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में. सो मेरा ट्रंक लेने के लिए 4 आदमी खड़े हैं. मैं जब आया गोरेगांव में रह रहा था जहाँ पे कुमुद भाई या सीमा विशेष उधर रहती थी, सौरभ शुक्ला तो चले गए थे छोड़ के. तो ये सब एक एक कम्युनिटी की तरह था तो कभी मुझे उतनी दिक्कतें नहीं हुई. हाँ थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो थी. आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी अगर आप आज याद करो तो, कि जो सबसे मतलब सबसे डिमीनिंग या ऐसा लगा कि यार ये बहुत ही गलत हो रहा है? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक पिक्चर मैंने किया था, बड़ी कॉमर्शियल फिल्म, पूरी पिक्चर शूट हो गई थी और परसों उसका डबिंग होने वाला था और उसमें मैं मेन विलेन लॉन्च हो रहा था. बहुत बड़ी फिल्म, बहुत बड़े स्टार, बहुत बड़ा डायरेक्टर. और परसों डबिंग, उसके 12 घंटे बाद मुझे पता चलता है मैं उस पिक्चर में नहीं हूँ और पूरा रीशूट हुआ. और हालांकि उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका था. और क्यों हुआ इसकी मतलब खास क्या वजह थी मुझे पता नहीं. लोग बोले कि पूरा रोल आपका रीशूट किया गया एंड दे हैड टू स्पेंड आई थिंक नियर अबाउट 1 crore. दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी. आई मतलब 15-20 दिन तो मुझे समझ भी नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया. तो आपने उस डायरेक्टर को जाके पूछा नहीं? नहीं पूछा नहीं, क्योंकि डायरेक्टर को भी बुरा लगा था ना, क्योंकि कोई प्रोड्यूसर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मीटिंग हुई उसके बाद ये हुआ, उनको भी बुरा लगा क्योंकि उनके लिए ऊपर भी सवाल एक्सक्लेमेटरी मार्क या क्वेश्चन मार्क लग गया. सो मुझे जहाँ तक पता चला कि किसी ने बोला कि शायद हीरो के साथ मेरी शक्ल मिल रही थी जब मैं शेडो में था, या माय कैरेक्टर वाज टू एग्रेसिव, सो दैट वाज नॉट गुड, सो दैट शुड बी, सो काइंड ऑफ. तो हाउ डिड यू गेट ओवर दिस ट्रॉमा? ट्रॉमेटिक था ये? फर्स्ट ऑफ ऑल आई कुडंट बिलीव कि ऐसा हो सकता है कि मेरे रोल की नियर अबाउट 1 crore जब मैं दिल्ली. और कितने दिनों की शूटिंग आपने की थी? आई थिंक नियर अबाउट 25. आई वाज द मेन विलेन नियर अबाउट 25 टू 30 डेज. एंड ऑल ग्रेट एक्टर्स वर देयर. और ये कितने साल पहले की बात है? आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है ये. अच्छा. बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है. अच्छा. बाद में उस रोल को, हाँ उसके बाद जिन्होंने किया उस रोल को बहुत टोन डाउन करके किया. आई वाज टू एग्रेसिव. So that was really shocking for me. कि ऐसे मुझे लगा कि हाँ रोल को आपको लिया नहीं जाएगा. पूरी पिक्चर शूट करने के बाद जब परसों में डबिंग करने जा रहा हूँ और मैं ऑफिस में मिल के आया और मुझे बोला कि समय बताता हूँ, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं. और डायरेक्टर बोला तेरे तू सबसे पहले करना, मैं आके चेक कर लूँगा. तो दैट वॉज रियली डिप्रेसिंग फॉर मी. और कैसे आपको ये न्यूज़ कैसे मिली कि आपकी डबिंग तो छोड़ के आपकी एक्टिंग भी नहीं है? एक असिस्टेंट ने फ़ोन किया मुझे कि मत आना, आपका डबिंग नहीं है, आपका जो पेमेंट है मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल दिया, वो क्लियर कर देंगे, अब जाके ले लेना, क्योंकि डबिंग के बाद एक पेमेंट बाकी रहता है ना. सही. तो मतलब पेमेंट तो मिला मगर हाँ मतलब दैट वॉज यू नो एज ए मेन विलेन मेन लॉन्च हो रहा था. और That was really मतलब depressing for me. I think for the director also, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतने दिन शूट किए, उन्होंने मुझे कास्ट किया, उन्होंने पहले साथ. Whom did you share this news with सबसे पहले? I think स्वानंद किरकिरी को मैंने फोन किया था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उनके साथ भी एक हादसा ऐसे हुआ था. Everybody was saying कि सुब्रत दत्ता इसमें तो लॉन्च हो गया, नेट पे भी आ गया था, नाउ तो चेंज हो गया, मतलब सब बधाई दे रहे थे. और लिटरली डायरेक्टर सबको बोला माय न्यू विलन, यू नो आई एम रीलॉन्चिंग हिम. फॉर 15-20 डेज आई वॉज रियली डिप्रेस्ड.
आई वॉज रियली डिप्रेस्ड क्योंकि मेरे साथ कुछ छोटे छोटे हादसे तो हुए थे इसके पहले लेकिन इतना नहीं हुआ था बट आई कवर अप एंड हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ द डिप्रेशन आई थिंक माई इनर डिसिप्लिन आई नेवर गिव अप होप कभी भी कोई भी मेजर प्रॉब्लम हो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मैंने मिठाई उन लोगों से खाई जब कोई पैदा भी होता है जब कोई मरता भी है तो ये तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है आपको उसके बीच में रहना है एक तो आपके साथ हो चुका है आप पैदा हो चुके हो नाउ आज या कल उसमें आपको होना ही है सो जस्ट डू योर ओन वर्क हैपेंड बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स किसी के हाथ में नहीं है हो सकता है डायरेक्टर चाहते भी रख नहीं पाए एक्चुअली दैट इज ट्रू मे बी दे फाउंड बाद में मैंने एनालाइज किया कि हाँ सम प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम्स बिकॉज दे हैड टू स्पेंड 1 crore नियर कोई क्यों दिल्ली का पूरा रिप्लेसमेंट करना पड़ा वो मेरे ऊपर कोई तो पर्सनल गुस्सा नहीं था तो कोई भी इस बिजनेस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जिसके वजह से ये काम उन लोगों ने किया तो कुछ मजबूरी रही होगी जो हमें बता नहीं पाए सो ओके इट्स अ पार्ट ऑफ सुब्रत जी ये बताइए कैरेक्टर एक्टर्स जैसे आप हिंदी फिल्मों में हैं कैरेक्टर एक्टर्स को कैंप में घुसना जरूरी होता है ताकि फिल्में मिलती जाए डायरेक्टर्स के साथ पीआर अच्छा होना चाहिए प्रोड्यूसर्स के साथ बना के रखना चाहिए कुछ टॉप स्टार्स के साथ उनके गुड बुक्स में रहना जरूरी है उनकी हाँ हुजूरी करनी चाहिए या ये सब मायने नहीं रखते अगर आप टैलेंटेड हो मायने उतने नहीं रखते जितने हम सुनते हैं जैसे मैंने बहुत लोगों से सुना था कि यू नो कुछ स्टार से रोल कटवा देता है मैं तो शौकीन के बारे में बोलूंगा कि अक्षय कुमार ने मेरा रोल बनवा दिया उन्होंने ऐसा कुछ इनपुट्स मुझे सचमुच दिए थे मैं डर रहा था कि अक्षय कुमार के एक फैन फॉलोअर्स है मैं खिलाड़ी पिक्चर का मजाक उड़ाऊंगा हाँ मतलब इस्तेमाल करूँ ना करूँ उन्होंने बोला तू बोल सो ये भी होता है सो यही होता है एक्चुअली और जो र्यूमर है कटवा देते हैं यू सी मैं अगर नाम लूँ मेरे सीनियर्स का नसीर साहब ओमपुरी परेश रावल साहब और जो एनएसएच नहीं है लेकिन सीनियर ही हो गए हैं या पंकज कपूर या अनुपम खेर ये लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं सिर्फ पीआर के चक्कर में आई एम सो सॉरी बिल्कुल ओनली फॉर देयर ओन टैलेंट आई थिंक दैट्स मच मोर नेसेसरी उसके बाद थोड़ा बहुत आप अगर यू शुड नॉट बी एग्रेसिव ऑन सेट यू शुड आपको हम्बल होना जरूरी है किसी भी प्रोफेशन में सही थोड़ा बहुत आपको हाय हेलो करना ही पड़ेगा ग्रीटिंग्स तो करना ही पड़ेगा जैसे आपने मुझे आज बुलाया मेरे लिए शॉकिंग आपके लिए शॉकिंग था या शॉकिंग था ना शॉकिंग था अब तो शॉकिंग हो गया कि सर ने मेरा इंटरव्यू ले रहा है विदाउट एनी पीआरओ बिकॉज आई हैव नॉट सो मच मनी कि आई कैन स्पेंड 10 lakhs और 8 lakhs फॉर माय पीआरओ बिफोर रिलीज अब आपको लगता है कि आप बिग लीग में आ गए हैं नॉट रियली आई थिंक बिग लीग क्या होता है इफ यू आई एम डूइंग माय वर्क आई एम डूइंग बिग फिल्म्स एंड sometimes very important role but I have a long way to go I think because I think this is just the beginning just I about to start because meri bahut sari independent filmein padi hai jisme as far as acting is concerned bahut achhi acting usme hai logon ne jo dekhi hai jaise magar release nahi hui release nahi hui agar wo picture samne aa jayegi to mere acting mein wo career mein bahut wo help karega kyunki independent film hai kyunki usme badi mehnat hui hai aise kitni film hogi I think 6 picture hai हिंदी फिल्म 6 हिंदी फिल्म्स अच्छा ओस आसमा बारो मास ओस तो काफ़ी फेस्टिवल में गई उसमें पैरालल लीड आसमा में मेन लीड टेररिस्ट बना हूँ बारो मास में लीड बेंजामिन गिलेनी सीमा विश्वास अर्धांगिनी अनदर फिल्म फिर और दो तीन मुझे अभी इस वक्त याद भी नहीं आ रहा है सो आई थिंक उसमें से दो भी रिलीज हो जाएं जो कोशिश कर रहे हैं तो एक और इसमें ऐड होगा और अलग ही किस्म का है मतलब सीरियसली मतलब मैं ईच एंड एवरी रोल आई ट्राई कि भाई बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो नॉट द की कॉस्ट्यूम एंड देन द अप्रोच और मैं सभी दोस्तों को बोलता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ मैं जो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ हर रोज़ या हर मोमेंट एज ये हमारा सभी करते हैं तो एक ने एक दिन रिकॉग्नाइज होगा मुझे लगता है इट विल सो मुझे लगता है कि आई हैव लॉन्ग वे टू गो अचीव करने के लिए क्योंकि मैं डेनियल डे लुइस को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ अच्छा हाँ तो उसका कुछ भी हो जाए तो That's very nice. और बंगाली सिनेमा करते रहेंगे आप जी सर मैं करता इसलिए रहूंगा सर क्योंकि बंगाली सिनेमा में क्या होता है कि एक तो मैं मदर टंग मैं बंगाली कल्चर के साथ जुड़े रहना चाहता हूँ और उसमें बहुत सारे जैसे मैंने एक फिल्म की चतुरंगो टेगोर का नॉवल है इट वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड 4 stages था उसमें हर स्टेज अलग अलग एक में भगवान पे विश्वास बिल्कुल नहीं करता दूसरे में बहुत ज़्यादा करता है थर्ड स्टेज में लगता है भगवान ही गुरु डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते गुरु के थ्रू पहुंचना चाहिए एंड फोर्थ स्टेज में देर इज नो गॉड सुपर एनर्जी बट देर इज समथिंग आई हैव टू फाइंड इट आउट सम फोर्स मे बी विद इन योर सेल्फ सो दैट वॉज आई थिंक दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड पीपल प्रेजेज अ लॉट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं किसी वहाँ पे लीडिंग न्यूज़पेपर में मुझे मेरे ऊपर फोटो सेशन किया मेरे को फ्रंट उसमें न्यूज़ आई अगेन विदाउट एनी पी आर ओ और वो मोर देन 100 festivals में गए और आई थिंक दैट वॉज अनदर टर्निंग पॉइंट फॉर मी इन बंगाल इंडस्ट्री वेरी नाइस सुब्रत जी आपसे बातें करके बहुत मजा आया यस होपिंग दैट यू हिट बिग टाइम वेरी सून इन बॉलीवुड ऑल्सो आलिशान गाड़ियों में घूमे आप
बड़े बड़े मकान हो. आई नो यू सीम टू बी अ वेरी कंटेंटेड मैन, लेकिन इस इंडस्ट्री में इन सब चीजों से भी आपको मापा तोला जाता है. इसी दुआ के साथ हम आपको जाने देंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू वेरी मच फॉर योर विशेस. और मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया. इसलिए थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक्स टू यू सर. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, ये थे सुब्रत दत्ता. अगर आपने इनकी फिल्म हाल ही में रिलीज हुई रोर, टाइगर्स ऑफ द सुंदरबांस नहीं देखी है, अगर आपने इनकी और भी रीसेंट रिलीज हुई फिल्म द शॉकिंग्स नहीं देखी है, तो आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि ये क्या कर सकते हैं. छोटे से रोल में ऑल्सो ही कैन शाइन एंड शाइन सो ब्राइट कि आप महीनों तक, सालों तक इन्हें याद करें. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ETC बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में. इन द मीन टाइम, आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए BBiz, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर. यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC बॉलीवुड. दिस इज कोमल नाहटा बिडिंग यू गुड बाय.